परमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु परिंद्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुबरं भोपाल चूड़ामणिं नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय अश्मदीये सत्यं वदामि च भवाखिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुर्मानसं च आतुलित बलधामं हेम सैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गृगनयम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि सरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तगणों यह प्रसंग रामचरितमानस के पांचवें कांड सुंदर कांड से लिया गया है। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे जामवंत जी आप जैसा कहें वैसा ही मैं करूंगा। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी लंका में आप जाओ सिर्फ माता सीता का पता लगाओ और कुछ जरूरत पड़े तो बल भी दिखला देना। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन अच्छे लगे। तुलसी बाबा चौपाई के माध्यम से लिखते हैं, आप सुने। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंता हृदय अति भाए तब लगि मोहि परखेहु तुम भाई सही दुख कंदा मूल फल खाए जब लगि आओ तही देखी कोई हनि काजू मोहि हरस बिसेखी यह कही नाई सबन कहु माथा चलेउ हरसी धरी रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर चहेउ ताऊपर बार बार रघुवीर सम्हारी तरके उपावन तनय बल भारी जहि गिरि चरना देहि हनुमंता चलेउ सगा पाताल तुरंता जिमी अमोघा रघुपति करबाना एही भांति चलेउ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तै मैना का श्रमहारी मंगल भवना अमंगल हारी
सरतया जी रविहारी हनुमान तेहि जिस समय हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए प्रस्थान करते हैं, समुद्र देवता मैनाक पर्वत से कहते हैं कि हे मैनाक जाओ, प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, उनको विश्राम करने के लिए कहो। हनुमान जी महाराज से मैनाक कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, आपका धन्यवाद। होता है क्या, तुलसी बाबा चौपाई के माध्यम से लिखते हैं, जात पवन सुता देवाना देखा जाने कहो बल्लभ ही सेखा सुर साना नाम अहिन के माता पठई नयाए कहते ही बाता आज सुरा नाम ही देनाया सुनता बचन कहा पवन तुम्हारा राम काज करी मैं आऊं सीता कई सुधे प्रभु ही सुनाऊं तब तब बदन पैठिहाँ आई सत्य कहूँ मोही जाने दे माई कवने हूँ जाता गई नहीं जाना ससी नमो ही कहे मु हनुमाना जो जन भरी ते ही जय श्री राम जो जन भरी ते ही बदनु पसारा कपितनु की हा दुगुन विस्तारा सोरह जो जन मुख ते ही खाया जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासो तुन कपि रूप देखावा सत जो जानते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा बदन बैठी पुनी जय श्री राम आपदन बैठी पुनी बाहर आवा मागा बीदा ताहे सिरुनावा मोहि सुरन जेहि लागे पठावा बुद्धि बल मारमु तोरा मैं पावा मंगल हारी द्रबाबु सुदा सरथ अजीरा बिहारी राम काज सदु करी तुम बाला बुद्धि निधान आशीष दे
मंगल भवाना अमंगल हारे द्रबाब सुदा सारा था आजीरा बिहारी। जिस समय मैनाक को प्रणाम कर हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, देवता लोग सोचते हैं कि प्रभु का कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी की परीक्षा ली जाए, परीक्षा के लिए नागों की माता सुरसा को भेज दिए लोग। सुरसा ने परीक्षा लिया, परीक्षा में हनुमान जी महाराज पास हो गए। सुरसा कहती है जाओ तुम प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। हनुमान जी महाराज आगे पहुंचते हैं, होता है क्या, निश्चर्ये का सिंधु महु रही करी माया नाभ के खग गई। जीवा जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलौकी पिन्ह के परिछाही। गहाई छह सका सोना उड़ाई यही विधि सा गगन चर खाई। सोई छलहानु मन कह किन्हा तासु कपाटु कपि तुरा कहि चिन्हा। ताहि मारी मारुत सुत पीरा वादि पार गय मिधीरा। ताहा जाई देखी बल शोभा गुंजत चल चारिका मधुलोभा। नाना तारु फला फूल सुहाए खग मृग बिल देखी मन भाए। शैला विशाल देखी गया के तापर था चढ़े वो भागे। उमान कछु कवि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका देही देखी कही न जाई अति दुर्ग विशेखी। अति उतंका जल निधि चौपासा कानक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवाना अमंगल हारी द्रबाबु सुदास रत अजीर बिहारी। राम कथा ये बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे हैं। जय श्री राम। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चौहाट हाट सुबाट विधि चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खचर निकर पद चर रथ परो तन को गन बहु रूप निश्चर दूथ अति बल सेन पर नत नहीं बने। मन बाग उपवन बाटिका सर पापी सोहाई नर नाग सुर दंधार व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर जही नाना यथारन बिराही बहु विधि एक एक अंतर जही। करि जतन भट कोटि न बिकट तन नगर कहु दिस राजही। कहु मही समानुष धेन खरयज खल निसाचर भाचही। यही लागि तुलसी दास इनकी कथा कछु यज्ञ है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्याग गति पई है सही। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज
लंका के मुख्य द्वार पे के पर्वत पे खड़ा हो जाते हैं और वहां से देखते हैं नगर का हाल। तुलसी बाबा दोहा के माध्यम से लिखे हैं, आप सुने। पूरा रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघ रूप धरो निसि नगर करो पैसार, नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज देखते हैं जब नगर का हाल तो सोचते हैं कि रात्रि के समय में छोटा सा रूप धारण करके मैं लंका में प्रवेश करूंगा। तुलसी बाबा लिखते हैं कि कैसा उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया, चौपाई के माध्यम से सुने। मसक समाना रूप कभी धारी, मसक समान अर्थात मसक के जैसा छोटा सा रूप धारण किए। मसक समाना रूप कभी धारी, लंका ही चले वो सुमेरे नगहारी, नाम लंकिनी एक इस जारी, सो कह चले सी मोहे निंदारी। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी उनको देख लेती है और कहती है, जाने ही नहीं मरामु सठ मोरा, मोरा आहार जहां लगी चोरा। कहती है, क्या रे दुष्ट, जो लंका का चोर है वही मेरा भोजन है। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, मुट्ठी का एक महाकवि हानी रुधिर ममता हर निघन मानी, पुनि संहारी उठी सो लंका चोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मा पद दीन्हा चलत बिरंजी के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे, ताता मोरा अति पुण्य बहुता देखे वो नयन राम कर दूता, मंगल भवना अमंगल हारे द्रव बिहारी। हनुमान जी महाराज को लंकनी देख लेती है, हनुमान जी महाराज एक मुठका प्रहार करते हैं, लंकनी मूर्छित हो जाती है, फिर होश में आती है, कहती कि हे हनुमान मैं अब समझ गई कि लंका का सत्यानाश होने वाला है, क्योंकि जिस समय रावण को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था चलते समय मुझसे कहा था कि जब तुम एक कपि एक बंदर के मारे से विकल हो जाना तो समझ जाना कि लंका का सत्यनाश होने वाला है। और क्या कहती है तुलसी बाबा दोहा के माध्यम से लिखते हैं, आप सुने। ताता स्वर्ग गया पार कहती है कि हे हनुमान वह समय स्वर्ग के समान होता है, जब सत्संग का एक क्षण भी हो जाए तो वह स्वर्ग के समान होता है। तुलसी बाबा लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, आप सुने। लंकिनी हनुमान जी को क्या कहती है, प्रभु सी नागा की ये सब
राजा हृदय राखी कोसला पुर राजा करला सुधा करही मिताए गोपाल सिंधु अनाल सित लाए गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही अतिला गुरुपा थने हनुमान सुमिरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहता अगणित जोधा गयउ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहि जात सुनाही सयन किए दे खाक पीते ही मंदिर मगुना देखिब दे हवन एका पुनिदीख सुहावा हरि मंदिर तह भी न बनावा मंगल भवना अजीर बिहारी। हनुमान जी महाराज लंका में भ्रमण कर रहे हैं, माता सीता का पता लगा रहे हैं, देखते हैं बड़े बड़े निश्चय हैं। एक भवन ऐसा मिलता है जो सुंदर स्त्री को देखते हैं सची हुई है, लेकिन हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि माता सीता राम वियोग में श्रृंगार नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा उनको गृह मिलता है जहां पे हनुमान जी महाराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तुलसी बाबा दोहा के माध्यम से लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप सुने। और नए तुलसी का वृक्ष देख करके हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लंका निश्चर, लंका तो निशाचरों की नगरी है, यही हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं। लंका निश्चर निकर निवास सजन करवास मन मोह तरक करें कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ भक्त कैसे, कभी होता है क्या। राम राम तेहि सुमिर कीन्हा, हनुमान जी महाराज तर्क वितर्क कर रहे हैं कि लंका निशाचरों की नगरी है, यहाँ भक्त कैसे, यही सोच रहे हैं। तभी विभीषण जी क्या करते हैं, राम राम तेहि सुमिर कीन्हा हृदय हरस कप सजन जीन्हा यही सनहट करी हाँ पहचानी सत्य होई न काल जहानी पी प्रारूप धरी बचन सुनाए सुनत विभीषण
आवाज सुनते हैं तो समझ गए कि ये भक्त है। ब्राह्मण का वेश बनाकर के हनुमान जी महाराज वो भी राम राम कहने लगे। विभीषण जी बाहर आए और हनुमान जी से बोले कि हे भाई आप कौन हो? लगता है प्रभु ने हमारे लिए ही आपको भेजा है। हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि आप कौन हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या दोहा के माध्यम से आप सुने? तब हनुमंत कही परिचय पूछता है तो हम अपना नाम बताते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपना नाम पहले नहीं बताया। पहले बोला कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान, पहले राम का दूत उसके बाद हनुमान। इसी से हमें ज्ञान लेना चाहिए, जब कोई हमारा परिचय पूछे तो हमें पहले जिसके द्वारा हम गए हैं उसका पहले नाम ले। हनुमान जी महाराज दोहा के माध्यम से तुलसी बाबा लिखते हैं, तब हनुमंत कही सबा राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन जय श्री राम, सुनत जुगल तन बुला का मना मगन से कहते हैं कि हे भाई विभीषण तुम लंका में कैसे रहते हो? तब विभीषण जी बताते हैं कि मैं लंका में कैसे रहता हूं। सुनहु पवन सुत रानी हमारी जिम दसन निमाहु जी भविचारी। कहते हैं कि हनुमान जी मैं लंका में ऐसे ही रहता हूं जैसे 3200 दांत के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही मैं लंका में रहता हूँ। और क्या कहते हैं, तात कबहु मोहि जानी अनाथ करिहउ कृपा भानु कुल नाथ। तामस तानु कछु साधन नाहि प्रीति न पादा सरोज मन माही। कहते कि हे हनुमान, विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान मेरा तो शरीर तामसी है, इससे तो भजन भाव होने वाला नहीं है, क्या प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे? लेकिन मुझे अब विश्वास हो गया है। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया है हनुमान जी कि बिना प्रभु के संत का मिलन नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, जो रघुबीर अनुग्रह के तुम मोहि दरसु हट दिना। जब प्रभु ने कृपा किया हे हनुमान जी तभी आपने हमको दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे भाई विभीषण मेरे प्रभु की महिमा को सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे प्रभु कैसे कह रहे हैं। अरे सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवा का पर प्रीति। मेरे प्रभु की यही रीति है कि अपने भक्तों से सदा प्रीति करते हैं। और मुझे ही देख लो,